कर दिया था वो पार्ट तो। और एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, पर वो कैरेक्टर को भी कास्ट करने में हमें बहुत मुश्किल हुई, जो चाचा का रोल प्ले करते हैं, तो उनका उनका भी जो कास्ट है वो भी मुश्किल था। तो कास्टिंग को लेके, जबकि मेरे को लगता है एक एक्टर को फ्रीली कोई भी कैरेक्टर प्ले कर लेना चाहिए। तो सेक्शन 377 इज ऑलवेज अ स्ट्रगल, बट इट्स अ ब्यूटिफुल स्ट्रगल, बिकॉज जब भी वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस और क्रिएट अ चेंज इन द सोसाइटी, एक वो आता है, हाँ एक स्ट्रगल होता है, बट इट्स स्वीट क्योंकि उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होता है। And in that way, I would really appreciate Gulshan and Ankit, the way they have, you know, stuck with Amit like a family, and the entire set, you should have come on the set, it was like a family shooting the entire series, you'll see it in the chemistry. Gulshan and Ankit, आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर actors भी इस तरह के role करना नहीं चाहते हैं, ये avoid कर रहे हैं या नजरअंदाज करते हैं इस role को, तो आप किस तरह आप सच बताऊं एक टाइम ऐसा मेरा भी था कि मैं नहीं करता एक टाइम पे जब मैं स्टार्ट की थी एक्टिंग, क्योंकि उस टाइम मुझे भी डर था और मैं कॉन्फिडेंट भी था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट आज की डेट में मैं जब सबको देखा है और चीज़ें नई नई मैंने सीखी हैं, तो आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हर तरीके का रोल कर सकता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है। अंकित ने किया वो इस रोल के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी तो, और अंकित ने बहुत अच्छे से किया। तो मुझे भी ये कैरेक्टर मिला, मुझे शुरू से अभी तक मुझे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मुझे लगता है कि मैं नहीं करूँगा कभी भी, जो आगे भी कोई काम मिलेगा, मतलब रिपीटेटिव ना हो कि अगर यही कैरेक्टर कोई कहे कि यू हैव टू प्ले अ बाईसेक्सुअल कैरेक्टर अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग अ सीरीज जिसके हमें आगे भी सीजन बनाने हैं। उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर होगा तो आई थिंक मैं अगर अच्छा होगा तो मैं जरूर करूँगा। और ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे रियल लाइफ में है नहीं, दे आर नॉट बोल्ड इनफ लाइक आमिर टू जस्ट make a show on it, you know, they're not, because they don't want to take risks. They're not smart enough to be more than that. They are worried about what the society says. That is the biggest problem. It's the more than that. And you should once shoot for anything for Amit and come on set. आपको इतनी pampering और इतना मजा देगा और आपने अच्छे दिखाए जाओगे इसलिए we don't care man. प्रोमो कल भी हम लोग ने टीजर निकाला है, वो भी उसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला, और कांस में भी जब हमारी स्क्रीनिंग हुई थी वहां पे भी ताइवान और ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे, तो मैं अनुया को बोला था कि शायद उनको समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, वो रोए वो हंसे एग्जैक्ट पॉइंट्स पे जहाँ पर उन्हें, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और दिल्ली में भी हमारी स्क्रीनिंग हुई इस महीने, वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट लाइक यू नो फॉर 2-3 मिनट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब अच्छा लगता है यू नो व्हेन एनीवन रियली अप्रिशिएट्स योर एफर्ट्स एंड वर्क, और यहाँ पर सब लोग ने कितनी मेहनत करी है, तो मैं खुश हूँ अभी तक के रिस्पांस के लिए, और मुझे यकीन है कि सब लोगों को ये शो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सो क्या लगता है आपको सोसाइटी की मेंटेलिटी बदलने की फिर से कुछ ऐसा, लेकिन एटलीस्ट एक्सपेक्ट तो किया जा सकता है कि वो बदलेगी, और हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही सकते हैं कि ऐसी चीज दिखाएं कि दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड दे चेंज देयर व्यूज अबाउट एलजीबीटीक्यू एंड ट्रांसजेंडर। सो आई जस्ट होप सो दैट एटलीस्ट इट स्टार्ट्स दैट एक्सेप्टेंस। एंड शूट करते टाइम मेरी मैंटेलिटी तो बहुत बदल गई, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पता थी ऑनेस्टली, एंड वो मैं खुद ऑन सेट जाके समझी हूँ। हमें किसी को भी नहीं पता, हमें किसी को भी नहीं पता, 90% 95% पॉपुलेशन को भी नहीं पता। हाँ मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली सोसाइटी इज मेड अप ऑफ अस ओनली, सोसाइटी कोई बाहर की कोई चीज़ नहीं है जो बदलने वाली है, इट्स एक्चुअली ऑल ऑफ अस एंड प्रोबेबली पीपल हु आर इवन वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो सोसाइटी इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज मेड अप ऑफ अस, तो व्हेन वी स्टार्ट चेंजिंग अ थॉट प्रोसेस विच मेनी पीपल हैवंट, तो सोसाइटी उसी से ही चेंज होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सोसाइटी इज नॉट समथिंग की कब सोसाइटी चेंज होगी, इट्स मेड अप ऑफ अस आवर थॉट्स, तो हमको ये देखना कि हम किनको इनकरेज करते हैं और किनको डिस्करेज करते हैं। फर्स्ट स्टेप उसका अवेयरनेस ही है जो हम इस वेब सीरीज के थ्रू कर रहे हैं। सो कितने एपिसोड आपने बनाए हैं सभी तो? 9 एपिसोड्स। सो आपने चाहने वालों को, फैंस को और जो होने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? स्टार्ट मुझे आपसे।
प्लीज वॉच दिस वेब शो, ये बहुत अलग है एंड मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ इट बट आई एम श्योर यू लव इट, यू विल एब्सोल्युटली लव इट, जस्ट प्लीज वॉच इट, यू लव ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, ट्रस्ट मी. Okay. Please watch our series online on first subscribe Dancing Shiva and watch the series और अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, अपनी फैमिली को दिखाइए और जितने भी लोग हैं जितने आप सबके वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक फॉरवर्ड जरूर कीजिए. Guys, our web series Still About Section 377 is releasing on 9th September on YouTube on the Dancing Shiva Productions channel. So please watch it, share it with all your friends because that's how we will be able to make a difference. Thank you. Please do watch our web series Still All About Section 377. Still About Section 377. इसमें सब कुछ है यार. Awareness के साथ आपको बहुत कॉमेडी मिलेगी, इमोशंस मिलेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, प्लीज देखिए. अनिल, या प्लीज वॉच आवर वेब सीरीज स्टिल अबाउट सेक्शन 377 ऑन आवर चैनल डांसिंग शिवा प्रोडक्शंस ऑन 9th ऑफ सितंबर. प्लीज वॉच इट बिकॉज़ यू विल लव इट, यू लव द कैरेक्टर्स, यू विल एम्पैथाइज विद द कैरेक्टर्स एंड इट्स जस्ट फैबुलस. प्लीज वॉच इट. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाँ, हम लोग देख, मैं देख रहा था वो तुम्हारा. हमने ब्लॉग के बारे में तो कुछ बोला नहीं, किसी ने पूछा नहीं. ठीक है, पूछ लेता हूँ. डीक्रिमिनलाइजेशन थ्री सी ऑल एंड थ्री सी डेसेंट सन आई नाउ. ओके, सो सेक्शन 377 इज बेसिकली अ लॉ व्हिच क्रिमिनलाइजेस होमोसेक्सुअलिटी एंड अननेचुरल सेक्स एंड इट हैज़ वेरियस अदर फैसेट्स एज वेल. फिलहाल इसकी एक बहुत बड़ी हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ को हटाने के लिए, उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द जजमेंट. इसका फाइनल वर्डिक्ट होपफुली बहुत जल्दी आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन यू नो वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड वी आर होपिंग दैट द लॉ गेट्स डीक्रिमिनलाइज क्योंकि आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट लव. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड फिंगर्स क्रॉस बहुत जल्दी इसका एक बहुत ही अच्छा यू नो आउटपुट आएगा. हमारा शो बहुत सारे लोगों को सेक्शन 377 के बारे में भी बताता है और ये बताता है कि लव इज़ लव, इट्स इट्स अ फ्री फीलिंग, इट्स फ्रीडम ऑफ लव. सो प्लीज़ लेट्स रियली होप फॉर दैट टू हैपन. प्यार करना गुनाह नहीं है. थैंक यू.